गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मम्पी। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी मम्मी पास, क्योंकि मायरा को आप सभी को पता है सब मेरा बाबू का सबका तबीयत थोड़ा सा खराब है। और क्या है, हम लोगों का तबीयत बहुत खराब हो गया, मायरा को भी हो गया सर्दी खांसी। तो हम जा रहे हैं मायरा को थोड़ा सा डॉक्टर दिखाने। कुछ दिन पहले गए थे, उसका लूज मोशन का दवाई चल रहा था, तो अभी तो वो कंट्रोल में है, तो सर्दी खांसी हो गया। तो अभी जाएंगे मायरा का सर्दी खांसी का दवाई लेंगे, फिर हम आ जाएंगे। तो चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी करते हैं। मतलब 5 बजे निकलने वाले थे, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। जल्दी जल्दी करते। और यहाँ पे कुछ कपड़ा भी था, हम सोचे कि इसको सब रख के जाए, क्योंकि कपड़ा ना बाहर रखा इधर उधर गिर जाता है। हमको तो इतना सर्दी हुआ कि जो बहुत ज़्यादा मेरा हेयर इतना गंदा हो गया, हमको कल शैम्पू करना है। 2 दिन से टाइम ही नहीं मिला, जबकि पता है हम 2-3 दिन पहले ही शैम्पू किए थे। 3 दिन, हाँ 3 दिन, वैसे 2-3 दिन छोड़ के ही करते हैं। पता नहीं इस बार इतना गंदा हो गया मेरा बाल। अम्मा ईश, टिशू लाओ, टिशू लाओ, जल्दी टिशू लाओ, टिशू पेपर लाओ। यार मेरा नया कपड़ा अभी निकाले हम मम्मी के पास इसको पहन के जाएंगे। नहीं लेकर गया हम आपको, टाटा। देखो दाग भी हो गया। एक तो हमको अच्छे से कपड़ा धुलना नहीं आता, ऊपर से मतलब काम कोई बढ़ाएगा तो आप ही हो तवाही। अभी तुरंत निकाले कि इसको पहन के कल मम्मी के पास जाएंगे, उसके बाद ना मायरा को स्कूल भी इसी को पहन के चल जाएंगे। मतलब आके चेंज करने के बाद कल मायरा को इसको ही पहन के लेके चल जाएंगे। कुछ ड्रेस ना मायरा को अभी स्कूल देने आना मेरा ही काम है। क्या हुआ, उधर मुंह से निकाल के आपको बोल रहे कि ये वाला पोछ। देखो दाग हो गया कैसे, मम्मा को आता है धुलना अच्छे से कपड़ा? आता है? पीटू पीटू कर देंगे अभी हम आपको, सॉरी। अभी अरे इसको ना लॉन्ड्री पे देना है, ये मेरा साड़ी हो गया खराब। खराब नहीं हुआ इसको, अच्छा ठीक है डन। ये खराब नहीं हुआ, मतलब क्या ना हमने इसको पहन के शीतला पूजा में, आप लोग गौर करोगे तो अगला वाला वीडियो देखोगे, शीतला पूजा में हम सिंदूर खेल लिए थे साड़ी में, तो मेरा साड़ी में पूरा सिंदूर सिंदूर हो गया। तो इस बार मम्मी आई तो हम लोग दक्षिणेश्वर गए थे, तब ना हम क्या पहनेंगे समझ में नहीं आता, तो लाल पाड़ ये साड़ी था हमको अच्छा लगा था, तो हम मम्मी को पूछे, मम्मी बोले तुमको अच्छा लगा तो पहन लो, पहन लिए थे। तो फिर मम्मी को मम्मी सिंदूर गिरा, मम्मी बोले कि पिन कर लो नहीं दिखेगा, तो पिन कर ली तो नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार जो गए थे ना, तो मतलब सिंदूर बिंदूर मतलब और कुछ कुछ गिर गिर के, हाँ मेरे मम्मी दुपट्टा हट जाओ, कुछ कुछ गिर के ना ये खराब हो गया। तो हम जा रहे हैं लॉन्ड्री में दे साड़ी को। दुपट्टा सरक रहा है, और ये दुपट्टा मेरा फेवरेट दुपट्टा है, हमको रिया ने। क्या दे तू, दुपट्टा दे मम्मा, रुको ना वहां पे देखो मुंह से गिराए वो आप। चलो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, मेरा मम्मी फोन किए जा रही है। दो चाबी दो, दो से कुछ चाचू को दे दे, लेके जाएगा दो। हाँ मायरा, आप मेरा कल मेकअप ब्रश जो ली थी कहाँ रखी हो? हाँ पर लेके आओ। इधर मेरे पास आओ,
अब बस दिए दी, बहुत दे दी, उतना नहीं लेना चाहिए। बहुत लगा दिए मम्मा। अब मेरा पहले मेकअप ब्रश लेके आओ, जो जा कहाँ पे रखी हो, जाओ जाओ। ऐसे नहीं कि जरूरी है, हम जब भी खोलते हैं मेरा मतलब जो मेकअप पाउच उसमें तो हमेशा रहता है ना, जब भी खोलते हैं मेकअप पाउच हमको दिख जाता तब लगा देते, दिखता है तब हम लगा लेते। कल शैम्पू बहुत जरूरी है, मेरा पाल ना एकदम झाड़ू देखे वैसे हो गया, झाड़ू जैसा हो गया। चलो चलो, इयररिंग बिल्कुल भी इस ड्रेस के साथ नहीं जा रहा, तो हम कोई भी इयररिंग नहीं पहनेंगे। जब इयररिंग ढूंढते ढूंढते ना टाइम हो जाएगा, मम्मी से डांट भी सुनेंगे। चलो मम्मा, चलो 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 बेटा, चाचू को बुलाओ, चाचू को बुलाओ, चाचू को बुलाओ, चल दियो। हाँ हम जो करेंगे मायला भी ओनी करेगी, हम लिपस्टिक ना हमको भी लगा दो, ऐसे करो ऐसे करने जा रहे थे, तो मम्मी बोली कि तुम्हारे पास वो, अरे इसमें तीन था, अच्छा ये है, तो मम्मी बोली तुम्हारे पास छोटा मान लो पास है, मम्मी को बोले नहीं लेकिन देखो यहाँ पे पास है, हम ना खुद रख के भूल जाते हैं। उसी दिन मम्मी पूछी थी कि तुम्हारे पास एक ऐसा पास है जो कि यूज कर पाएंगे, मम्मी को बोले यही है। हाँ क्या लिपस्टिक लगा दी आपको, आप पापा को बुलाओ जाके, चाचू को बुलाओ, शिवा चाचू। तो चलो अभी निकलते हैं, उधर जूता जूता छोड़ के मतलब उधर बहुत दूर जूता खुल के आ गया, इतना बदमाश लड़के शेखर गया हम लोग को रास्ता में रुकवा के जूता ला के, कितना दूर छोड़ा था आपको पता भी नहीं है। लगता है इसका जिम का वर्कआउट आधा इधर ही हो गया क्या, जिम का वर्कआउट तुम्हारा इधर हो गया कि नहीं? हाँ, इतना दूर में हो जाएगा। बहुत दूर गया था तुम, बहुत दूर, हमको इधर से दिख भी नहीं रहा था। बताइए, चाचू को खटवाया दो बार खाली, तुम बदमाशी करती है। शेखर का भी जिम का टाइम था, इसको बोल बोल के लाया कि छोड़ दे हमको, छोड़ दे, बोले ठीक है चलिए, और ये लड़की लेट करवा रही है ना। हाँ आपको बदमाशी लग रहा है, अभी पहना दे हेलमेट पहनाओ, हेलमेट पहनाओ, कितना दूर हम चप्पल तो ठीक से पहना नहीं। और पता है वो भी बोली मम्मा जूता जूता तो वही गिरा दी जा, रुके हुए तो तब चलो अभी जाते हैं, ऐसे लेट हो गया। पानी पूरी खाया हम, मेरा यहाँ पे लिपस्टिक लग गया, और माथा पता नहीं क्यों इधर आए ना, हमें माथा इतना जोर से पेन करने लगा। और मायरा को मिल गया है मम्मा, मायरा मम्मा बहुत खेल रही है। आप लोग को मेरा बात से थोड़ा चेंज आ रहा है, मतलब नहीं, क्या हो रहा है, मेरा वॉइस बिल्कुल भी चेंज हो गया, मेरा अजीब नाक बंद हो गया, कान बंद हो गया, हमको कुछ भी हम जो आपको बोल रहे हैं ना हमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, मेरा अजीब झन 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 कर रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत पता सर्दी वर्दी होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बिट्टू गया ट्यूशन, अभी तक नहीं आया, हम सोच रहे थे बिट्टू से आज ऑयलिंग करवाएंगे और कल शैम्पू कर लेंगे, पर बिट्टू तो है नहीं, बाबू कुछ देर बाद हमको लेने आएंगे। हम लोग थोड़ा सा आज नाइट आउट पे निकलेंगे सोचे हैं। कार फोन, एटा कार फोन बोल बैना, केनो बोल बैना, तू कैसे तो कथा बोलछी, हम बोले से तू हमार बोले से तो कथा बोलबी, बाजे के बाजे, ए
करू का कासे तो कथा बोलती नहीं तू नहीं बाजे कनाल बाजे तू फोन के कह रहा है फोन तो तू एक चीज कासे तो कथा बोल जे नहीं हां का बोलियो दी हमार बारे से तो फुल कर जाए ओए ओए अपन बार के बात करता है रे कुछ तो बोल अबे तो है बार हां दीदी जी हां जास हां देगा हां देगा कर देगा बोल बोल फोन अरे अमर हमारा फोन है चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहेगी ठीक है मेरी मम्मी बिल्ली है और इधर चूहा ऐसे लड़ाई मम्मा रुक जाओ पेट में लग रहा है मेरा और मम्मी अभी बहुत अच्छा अच्छा डिश बना रही है मम्मी को पता है कि हम नहीं खा पाएंगे हमको बोलती है खाएगी क्या तो अभी हम पूरा श्रावण का मतलब नियम पालन करते हुए सख्त जवाब दिए कि नहीं तो चलो अभी देखते हैं मेरा माथा में कौन तेल लगा देता है मम्मी मेरी शादी के बाद मेरा मम्मी कभी भी मेरा माथा में तेल नहीं लगा दी ये हम ऐलान करते हैं इधर मेरा पापा लगा दिए पर मम्मी नहीं तेरा मम्मी नहीं है रे बेटा तो कौन है मौसी तो गाइस ये मेरा मौसी है मम्मी नहीं है ठीक है ठीक है ए मेरा पोती का ये जो इसको प्यार करेगी बारह नोस देती है इसको गंदी लड़की कल के तो हमारा हैप्पी बर्थडे थी और किलो ना हां हमारा हैप्पी बर्थडे हां हमारा पोषण तो जोर ठंडा लगे छे देखो नाक भी जल भी रच्छे तो अभी हम मम्मी को मेरा एक क्वेश्चन करेंगे बार 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 मामा गाना चला दे रहा है तो मम्मी को ये क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है मुझको कि पूछू को कि बिट्टू को बस इटा हम की करे बोलू ना बताओ इटा की करे सब बच्चे के भलो बसी ना आपको एक बताना पड़ेगा पहले दीदा दीदी उत्तर दे दीदा दीदी आतो रखो दीदा रे अपनी तीन छेला एक कम है दीदा दीदी उत्तर दे ताला और उत्तर दीदा रे की मौला दी तुम्हें किछ बोलो ना समान तो किंतु समान किंतु तुमरा मन करे कि हम ओके भलो बसी बसी ना बहुत लोग बोलता है कि मां लोग बेटा को ज्यादा मानता है बाबा बोले इटा बोले कि तू करे कि मम्मी को डांट रही है मेरी मम्मी हमको नहीं प्यार करती है सबका माँ बच्चा लोग को सबको मानता है और मम्मी जब गई थी परसों मेरी सासू माँ जब इधर से गए थे तो उनके बेटे को हग करके मतलब वो तो इमोशनल थे ही सबसे ज्यादा इमोशनल अगर थे तो मायरा के लिए सेकंड बाबू के लिए उनका मतलब लग रहा था प्यार मतलब एक माँ का प्यार दिखता है जब वो बच्चा दूर रहता है दूर जाता है तब अरे बाबा रे बाबा इतने तो कष्ट ना कष्ट हो जब मतलब दिखता है ना माँ का प्यार मतलब एक बच्चा मायराम से दूर जाएगी तब हमको उतना ही कष्ट होगा अभी बाबू मम्मी से दूर है तो मम्मी को कष्ट उतना हो रहा था हम मम्मी से दूर थे तो मेरी माँ को भी कष्ट हो रहा था होता है और मम्मी को तो अभी डबल कष्ट है क्योंकि मायरा भी इधर है तो हम वही सो मतलब हमको अच्छा नहीं लगता मेरी सासू माँ पापा जो आते हैं यहाँ पे जाते टाइम होता है हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम दो दिन से अभी सोच रहे हैं और हमको बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा इधर हमारी रेल दिन नहीं लग रहा है हम बोले कि चलो कुछ दिन बिहार से घूम के आते हैं तो हम लोग का फ्राइडे का टिकट अभी तक नहीं हुआ हम तो जिद मचा दिए कि हमको फ्राइडे को जाना ही है ऐसा जिद मचा दिए तो हम जा रहे हैं बिहार दो दिन के लिए हम गए जल्दी आना मम्मी को बिहार में मन लगता है ना आपको मन लगता है ना मेरी मम्मी बोलती है कि बिहार में अच्छा लगता है मम्मी होली होली में बोलती है कि उधर हम जाएंगे करेंगे हम लोग जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग जाएंगे एक साथ होली में वहाँ पे मस्ती करेंगे मेरी मम्मी वहाँ पे मम्मी पापा सबको अच्छा लगता है क्योंकि मेरा वहाँ पे घर आप लोग देखे ही हो बिल्कुल खाली हो गया एकदम खाखा खाखा करता है अकेले कितना मन लगेगा
और फिर भी हम रहते तो हम चढ़ा पड़ा पापा के साथ बात करना, मम्मी के पास जाके बैठे आना, मतलब घर पे हम ही इतना हल्ला करके रखते थे तो मम्मी पापा दोनों को मन लगता था। मायड़ा खेलती थी मायड़ा की वजह से, और मतलब एक्स्ट्रा मन लगता था सबका। तो अभी मुझे नहीं, मैं मायड़ा बोली नहीं, जल्दी जा रहे हैं बिहार गए, तब आप लोग को और अच्छा अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलो आप, मेरा मम्मी से आंसर मिल गया है, क्या बोले हम आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। बोलो टाटा टाटा, सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है। चल टाटा।